तो अकेला है क्या? गुजर गुजर आगे गुजर that you know, Mom, why
सर थोड़ा इसे मैंने मैं एक्चुअली जो घोड़े के सर के जो पेंटिंग्स हैं उसको मैं देखने आया हूँ। उसके सेल से ये पैसा जो है वो खेलशाला एनजीओ के लिए जा रहा है। खेलशाला सतेंद्र बाजवा ने स्थापित किया है और सतेंद्र बाजवा एक बहुत अच्छे स्क्वॉश प्लेयर हुआ करते थे, तो उन्होंने अभी पंजाब में ये एनजीओ स्थापित किया है जिससे गरीब लड़के लड़कियां गांव में, शहर के बाहर, जो स्कूल्स तो इतने भी अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे भी हैं तो स्कूल के बाद, म्यूनिसिपल स्कूल के बाद 4 बजे वो क्या करें, तो ड्रग्स, बुरी आदतें से निकाल के इन बच्चों को एक चॉइस दिया जाता है कि वो यहाँ पे आए और वो खेले, स्क्वाश खेले, टेनिस खेले, योगा करे, एकेडमिक्स का भी एक क्लास होता है, रिलैक्सेशन। सो इससे जैसे हमने देखा है एक काफ़ी एनजीओस अब ये करने शुरू उन्होंने शुरू किया है करना। मैजिक बस है, मेरे ख्याल से खेलशाला तो है ही है, उड़ीसा में है किसन किट। तो अब हम मैं देख रहा हूँ देश में स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं ताकि एक देश को ज़्यादा हम इक्वल बनाएं, ताकि उनको भी मौका मिले टू रेज देयर लाइव्स। तो ये एक बहुत वेलकम चेंज है। किसने सोचा था 20 साल पहले कि खेल के माध्यम से लोग सोचेंगे कि इंडिया की तरक्की हो सकती है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। आना होता है अभी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, छोटे छोटे शहरों से लेके बहुत सारे अभी भी बच्चे जिसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किए जाते। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि इस देश में अभी जितने स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो शायद जो पिछले 5 साल में देख रहा हूँ वो शायद पिछले 70 साल में नहीं। भुवनेश्वर में मैं समझता हूँ वो एक राष्ट्रीय कैपिटल होने वाला है स्पोर्ट्स के लिए। पटियाला तो हम जानते ही हैं, हरियाणा में बॉक्सिंग और रेसलिंग का एक बहुत दो तीन बहुत बढ़िया अकेडमीज बने हैं। जिंदल्स ने एक बहुत अच्छा अकेडमी बनाया है बैंगलोर के बाहर। तो ये अब मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल में एक आप ये सवाल भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन हैं जिनको काफ़ी मुनाफा मिला है, अभी शायद 10 साल पहले वो कुछ मंदिर बनाते या कुछ ऐसा बनाते या स्कूल बनाते, अब ये स्पोर्ट्स अकेडमीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा गया था, वहाँ पे 7 स्पोर्ट्स अकेडमीज आर बीइंग फंडेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो किसने सोचा था कि करीबन 20 स्पोर्ट्स के लिए 7 अकेडमीज बनेंगे एक दिन उड़ीसा में। सो अभी मैं सोचता हूँ कि बदलाव आ गया है और अगले 5-10 साल में काया पूरा पलट जाएगा। इसके अलावा राहुल जी, आपका डिफरेंट लुक है यहाँ पर, तो क्या हम माने कि किसी फिल्मों का लुक अलग जी कुछ बताना चाहेंगे? मैं बाहुबली का प्रीक्वल कर रहा हूँ,
बाहुबली द बिगिनिंग ये नेटफ्लिक्स के लिए है और उसमें मेरा काफ़ी बड़ा रोल है. सो शूटिंग शुरुआत होने वाली है एक हफ्ते में. और या ये पूरा लुक नहीं है लेकिन हाँ ज़रूर दाढ़ी तो है उसमें. और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो फेक दाढ़ी लगाऊँ. तो अभी अगले चार छः महीनों के लिए यही लुक रहेगा. कौन? मोहम्मद अजीज़. तलत अजीज़. मोहम्मद अजीज़ सिंगर. अच्छा सिंगर. आई ऑब्वियसली नॉट कैन नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस. थैंक्स गाइस. थैंक यू. एग्जिबिशन है इसका एक कॉज है एंड दैट्स अवेयरनेस फॉर द कैंसर एंड फॉर द पुअर कैंसर पेशेंट. सो द कॉज बिहाइंड दिस एग्जिबिशन इज व्हाट आई एम रियली आई फील क्लोज टू एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर. अभी मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है. मैं अभी अंदर आई हूँ तो आई वुड लाइक टू सी इट प्रॉपरली. बट आई लव द हॉर्सेस और देन आई विल प्रॉब्ली पिक द बेस्ट वन बट आई लाइक. मनीषा जी, इन दिनों अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल फिलहाल में आपने कोई फिल्में देखी जो आपको बहुत ही पसंद आई. हाल फिलहाल में जो मैंने कोई भी अभी फिल्में नहीं देखी है. मैं एक्चुअली मैं एक किताब लिख रही हूँ तो वो रिलीज़ होने वाला है तो मैं उसमें एक्चुअली फोकस थी. सो अभी कुछ मैं मैंने देखा नहीं कोई फिल्म भी बनेगी हम ऐसा माने. नहीं ये अभी इस किताब का नाम हील्ड है और जो मेरी कैंसर की जर्नी रही हुई और हीलिंग प्रोसेस रहा उसके बारे में तो शायद फिल्म तो नहीं बनेगी इसमें. नहीं बहुत देखिए आजकल इतना अच्छा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो परफॉर्मेंस लेवल भी लोगों का बहुत ही अच्छा है और जो यंगस्टर्स आते हैं काफ़ी फोकस्ड हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं एंड इट्स अ टफ वर्ल्ड एंड आई सी ग्रेट वर्क कमिंग फ्रॉम देम एंड आई फील रियली हैप्पी टू सी गुड वर्क. I wish them lifelong of happiness, commitment, loyalty, joy, you know. So life is full of, when you have loving partner with you, I think it's worth it. So are you going there, like Priyanka's marriage? I won't be able to go because I'm traveling. Main abhi yahan pe hoon, main do din, teen din ke baad main ja rahi hoon. So I'll be traveling. मुझे नहीं मालूम. I would want to just say one thing that this movement is good because it will compel people to have a safer work environment and equality for everybody. I would say for men as well as for women.
So for that purpose, it's good. Do you feel that the work environment when you were there in this industry as a copywriter is now completely different as to what it is right now? Every decade there's a change of people, of mindset, and I feel every time we are evolving into better human beings. So this is part and parcel of that, I think. A lot of other people, you know, like you mentioned about cancer stories, we have Sonali Bendre who's also going through cancer. You know, Ayushman's wife has also revealed that she also is going through a cancer journey. Is there anything that you would like to give them as an emotional support to them, as a journey that you have also been through? Yeah, I think cancer itself is a very scary word. And if whenever you're diagnosed with that, there's a lot of fear, there's a lot of, you know, other things. So I just want to say to everybody that you can win this fight. Please have hope, go for a correct treatment, and just win this fight. There is hope. Thank you, ma'am. माइक पीछे लेना मैडम. यू नो मुझे ये जो आर्टिसंस के जो कारपेट्स जो है मुझे बहुत पसंद है. और सबसे बड़ी ये बात है कि स्पेशल आर्टिस्ट जो हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जैसे अंजलि इला मेनन वाइकोंट एंड एवरीबडी इज आर्ट इज़ देयर. और मैंने बहुत बारीकी से उसको देखा और मैंने ये नोटिस किया कि इट्स परफेक्ट और ये सारी पेंटिंग्स इट्स ऑथेंटिकेटेड बाय दी आर्टिस्ट. सो आई थिंक इट्स स्पेशल. मतलब ये एग्जिबिशन और ये जो एक्चुअली जो प्रोसीड्स है इट्स गोइंग फॉर अ गुड कॉज वो भी स्पेशल है. और उससे ज़्यादा जो एक्चुअली जो आर्ट है आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल. आई लाइक द अंजलि इला मेनन ये जरोखा. और ये ओरिजिनल जो है मतलब जो रियल आर्ट है वो मेरे मदर इन लॉ के घर में है. सो आई एम गोना गेट दिस फॉर माय हाउस द कार्पेट आर्ट. सो या आई लव इट. जी मेरी एक फिल्म अग्निदेव जिसकी ट्रेलर अभी कल ही रिलीज़ हुई है. और जैसे आप वेरी ब्यूटीफुली आप मुझे रोजा में याद रखते हैं जो रोल है और कैरेक्टर है. और अगर आप अग्निदेव में देखेंगे तो मैं एकदम ही ऑपोजिट हूँ, नेगेटिव में हूँ. और तमिलनाडु में ट्रेंडिंग में है वो ट्रेलर. सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड क्योंकि बहुत बहुत सालों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे ट्रेलर में यूज़ किया और ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया. एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एट दिस मोमेंट बिकॉज इट जस्ट गॉट रिलीज्ड यस्टरडे. थैंक यू. कौन सिंगर मोहम्मद अजीज़ सीनियर सिंगर मोहम्मद अजीज़ ओह ही पास्ट अवे. ओह आई एम सो सॉरी. मैं उनके साथ मेरी ये मेमोरी है. मेरे पापा ने एक फिल्म बनाई थी बहुत बहुत सालों पहले विद हेमा जी धर्मेंद्र जी एंड दुलाल गुआ साहब वॉज अ डायरेक्टर. तो उसमें दे वॉन्टेड रफ़ी साहब टू सिंग अ सॉन्ग एंड फॉर सम रीज़न वो अवेलेबल नहीं थे. सो दे मेड मोहम्मद अजीज़ सिंग द सॉन्ग. और उनका ये कहना था लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर. उनका ये कहना था कि ये सिंगर सिंग करेंगे और बाद में हम रफ़ी साहब की आवाज़ में उसको कर लेंगे. बट व्हेन मोहम्मद अजीज़ जी ही सैंग दैट सॉन्ग एवरीबडी लव्ड इट एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग. सो आई हैव अ पर्सनल मेमोरी. वो मेरे फादर की फिल्म में उन्होंने गाना गाया था. सो माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली. इट्स अ बिग लॉस.